अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो, दो स्थान जिसको हमको साफ करना है और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना, दो स्थान बना लो। पहला ये जो जलाधारी है अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करें, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए, पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ, ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय आपके लिए लेकर आता हूं, और गुरुजी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूं। इसी क्रम में आज का यह उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गुरुजी ने यह उपाय अभी की कथा में बताया है, बिल्कुल नया उपाय है, और यह उपाय गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए बताया है। अगर आपके घर में भी कोई रोगी व्यक्ति है जिसकी दवाई नहीं लग रही या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। महादेव ने चाहा तो रोगी व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक होगा और रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको दो चीजें लेनी है। एक आपको चंदन लेना है, चंदन आप लाल, पीला या सफेद कोई भी चंदन ले सकते हैं। दूसरा आपको एक कलश में जल भरना है। दोनों चीज लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएंगे। यह उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करना है, अपने घर पर आप यह उपाय नहीं कर सकते। उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सोमवार का इंतजार करें, प्रदोष का इंतजार करें, या पूर्णमासी का इंतजार करें, या एकादशी का इंतजार करें। जब भी आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति लगे, जब भी आपकी समस्या हो, रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद आपको महादेव के शिवलिंग की दो जगह पर सफाई करनी है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के दोनों साइड आपको सफाई करनी है। सफाई करते समय आपके हाथ में जो भी जल लगा होगा वह जल आपको रोगी व्यक्ति के शरीर पर लगाना है। अच्छी तरह से सफाई करने के बाद अपने हाथ को धो लीजिए। हाथ धोने के बाद माता अशोक सुंदरी के दोनों साइड चंदन की बिंदी लगानी है। पहली बिंदी माता अशोक सुंदरी और गणेश जी के बीच में, और दूसरी बिंदी कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी के बीच के स्थान पर लगानी है। इन दो जगह पर बिंदी लगाने के बाद दूसरी जगह आपको जहां से पानी नीचे गिरता है, शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल अंत में जहां से पानी नीचे गिरता है और नाली की तरफ जाता है, उसी स्थान पर, कहीं भी थोड़े से स्थान पर आपको सफाई करनी है। सफाई करते समय जो भी जल आपके हाथ में लगेगा उस जल को आपको रोगी व्यक्ति के शरीर पर लगाना है, या जहां कहीं भी आपके दर्द है उस जगह पर आपको लगाना है। फिर हाथ धोकर चंदन की एक बिंदी आपको उसी स्थान पर लगानी है। ये दो जगह पर आप सफाई करके चंदन की बिंदी लगाकर महादेव को अपने मन की बात कहकर आपकी जो भी रोग से संबंधित समस्या है उसको महादेव को बताकर आप अपने घर आ जाइए। महादेव जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपके रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक बार आप प्रैक्टिकल जरूर करें, तो अगर आपके घर में भी कोई रोगी व्यक्ति है या आपके रोग से संबंधित कोई समस्या है
तो आपको भी ये उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। मित्रों, अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।